जय श्री महाकाल। आदेश आदेश, मैं राजस्थान से सोजो सिटी पाली से आया हूँ। देवेंद्रनाथ अघोरी मेरा नाम है। मैं तारापीठ में आया हूँ साधना के लिए, साधना की जन कल्याण के लिए करना चाहता हूँ, करता हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरे जान में जान है। ये मेरी फितरत है और ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि आज की टाइम में कलयुग में जो अघोरी के नाम पे एक दब्बा बना हुआ है, डर 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 दब्बा बना हुआ, जैसे कि डर डर ऐसा है। अघोरी के नाम से हर इंसान डरता है, बाकी अघोरी सबसे अलग है और सबका जन कल्याण के लिए ही वो अघोरी बना है। और मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सबका जन कल्याण हो, सभी अघोरी से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, महाकाल की कसम खा के कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ उनसे कि वो सभी जो लोगों से लूटपाट करते हैं वो दूर करो, लूटपाट मत करो और धर्म के प्रति अपना काम करो और सानित्य धर्म पे ही उनका ध्यान लगाओ और अपनी भक्ति में अपना ध्यान गुणगान करो, माता रानी का करो, चाहे बाबा का करो, किसी का भी करो, बाकी वो काम करो। बाकी आज के युग में जो अघोरी के नाम से एक डब्बा बना हुआ है, लोग डरते हैं बहुत, इसलिए डरते हैं लोग, पैसे खाते हैं, लूटपाट मचाते हैं। इसलिए मैं ये अनुरोध करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी अघोरी है उन तक ये बात पहुँचे कि ये गलत काम मत करो, लूटपाट मत करो। जब अघोरी बने हो तो अघोरी का मतलब होता है सबसे अलग, सबसे हटके, अपना काम करो और अपनी साधना में ध्यान लगाओ। अब हम आए थे, मैं तारापीठ में आया हूँ साधना करने के लिए, जन कल्याण के लिए, और मेरी बड़ी इच्छा करता हूँ माता रानी से और बाबा महाकाल से कि मेरा जीवन इस कल्याण में लगा आए। जब तक जीवन माँ, जब तक माँ तारा को, माँ काली को और बाबा महाकाल के चरणों में मेरा जीवन अर्पित करूँगा और जन कल्याण का ही काम करूँगा। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं देवनाथ अघोरी तारापीठ में रहते मशान का मशान बाबा हूँ मैं। सबका भला करो ही मेरा सबसे निमित्त है, माता रानी के पास सबका भला हो यही मेरा सूचना है। सबका भला करने के लिए हम लोग हैं। मेरा एक ही मकसद है, क्या बोले, दस का भला करो, पैसे बड़ी बात नहीं है माता, सबका भला करना। और ये अघोरी का बड़ी सबसे बड़ी काम है, पैसा तो बहुत लोग कमाता है लेकिन भाला कौन लोग करता है, अघोरी लोग करता है, मसान वाला जो हम लोग है अघोरी पंत, बहुत अघोरी है काला कपड़ा में ढूंढे लेकिन सब अच्छा नहीं है बाबा। हाँ ढूंढना पड़ेगा, सब गुरु ढूंढो तब ना तुमको मिलेगा कौन पक्का है, कौन सच्चा है, कौन कच्चा है। ज़्यादा बात हमको नहीं ज्ञान है क्योंकि हम ध्यान में ज्ञान में विश्वास करते हैं। आप तारापीठ आए तो क्या लगा आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और हम लोग किस वास्ते आए आप तारापीठ? हम साधना करने के लिए आए थे। हम तो साधना से क्या हासिल हुआ? साधना से भक्ति और शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, शक्ति प्राप्त हुई तो दुनिया के लिए कुछ करे क्या नहीं करे? जन कल्याण के लिए ही साधना करते हैं हम, जन कल्याण के ही शक्ति प्राप्त करते हैं हम। चलो कोई हरकत नहीं, आप ये साधना के टाइम पे गए, आपके कहाँ रहते आप? हम राजस्थान सोजो सिटी पाली से हैं। अच्छा, तो किसके सानिध्य पे आए वाले आप? जो अपनी इच्छा लगी। संजय नाथ अघोरी के सानिध्य से आए हम। जो महाराष्ट्र में रहते, महाराष्ट्र से संजय नाथ अघोरी के उनके सानिध्य में आए थे और उनके सानिध्य में ही साधना करते हैं हम। कहाँ से आए आप? हम सोजत पाली राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से हो? हाँ जी। तो राजस्थान से यहाँ काय को आए, तारापीठ शक्तिपीठ को? यहाँ तारापीठ में आए, हमारे गुरुजनों के साथ आए हैं, हमारा एक ही समाज है, सबको भलाई के लिए हम ये माता रानी की प्रार्थना करते हैं, इनकी सेवा भक्ति यहीं करते हैं ताकि हमें अच्छा ज्ञान मिले। अच्छा, और दूसरों यानी संसार को ज्ञान दे, शुद्ध भाषा सिखाए, शुद्ध रहनी करनी सिखाए, अपना जीवन कल्याण के लिए उनको मार्गदर्शन दे, जो अंधकार में है उसको प्रकाश की ओर लाना, यही हमारी माता रानी को प्रार्थना है।
यही हमारा अंगोरी पंथ का यही भाव रहता है। इससे सबको उजाला मिलता है, ज्ञान मिलता है, अपना जीवन स्वार्थ हो जाता है। क्यों माता रानी के चरणों में रहते हैं, सबके भलाई के लिए ही काम करते हैं। किसके साथ में आए वाले आप? हम संध्यानाथ अंगोरी महाराष्ट्र के वाले से, उनसे ही जरिए हम यहाँ प्रार्थना करते हैं और उनसे प्रसन्न होकर हम ही उनको कहते हैं गुरुदेव माता रानी से प्रार्थना करो, सबका भला करे, कल्याण करे, यही हमारा अंगोरी पंथ का कहना है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सूर्यवंशी जगन्नाथ। कहाँ से हो? नांदेड़। नांदेड़ से हो तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तारापीठ में। तारापीठ में कुछ साधना के लिए हमारे गुरु जी के संगत आए हैं। आपके गुरु कौन है? संजय नाथ अगोरी। तो क्या किया है यहाँ तारापीठ में? कुछ साधना के लिए आए थे गुरु के संगत। शिष्य? हाँ, मैं शिष्य हूँ जगन्नाथ अगोरी। ठीक है, चलो कोई हरकत नहीं, आपने साधने की तो बहुत बढ़िया, मजा आऊंगा आपको। हाँ, अच्छा लगा, जो भी साधना मिली हमको अच्छा लगा। चलो कोई हरकत नहीं, आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा, सबको मेरा प्रणाम, आदेश। तारमा जय तारा, जय तारा, जय तारा।